पति का उसके भाभी से अवैध संबंध रहने के कारण पत्नी अक्सर अपने पति के अवैध संबंध का विरोध करती थी, जिसके कारण पति और उसके ससुराल वालों ने विवाहिता की पीट पीट कर हत्या कर दिया। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। पति का उसके भाभी से अवैध संबंध रहने के कारण पत्नी अक्सर अपने पति के अवैध संबंध का विरोध करती थी, जिसके कारण पति और उसके ससुराल वालों ने विवाहिता की पीट पीट कर हत्या कर दिया। दरअसल यह पूरा मामला नालंदा का है और नालंदा में एक विवाहिता की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। दरअसल आपको बताते चले कि यह घटना बिहार थाना क्षेत्र के उपरामा गांव की है। पति एवं ससुराल के परिवार वालों के द्वारा पिटाई से जख्मी इलाजरत विवाहिता की मायके में मौत हो गई। घटना बिहार थाना क्षेत्र के उपरामा गांव में हुई। विवाहिता के मायके वाले अवैध संबंध का विरोध करने पर पति एवं ससुराल के परिवार वालों पर पीट पीट कर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं प्रारंभिक जांच में पुलिस बीमारी से मौत की बात बता रही है। मृतका की पहचान इस्लामपुर थाना क्षेत्र के बूढ़ा नगर के माली टोला निवासी कुंदन कुमार की पत्नी मौसम कुमारी है। मृतका की मां सोनी देवी ने बताया कि पिछले वर्ष 22 मई को बेटी की शादी हिंदू रीति रिवाज से बड़े धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद जब बेटी ससुराल में रहने लगी, तब जाकर बेटी को पता चला कि पति का उसकी भाभी से अवैध संबंध है और कई बार वह दोनों को आपत्तिजनक हालात में भी देख लेते, जिसके बाद वह अवैध संबंध का विरोध करने लगी, जिसके कारण पति व ससुराल के परिवार वाले उसकी पिटाई करता था। कई बार पारिवारिक पंचायती भी हुई, इसके बावजूद भी बेटी की प्रताड़ना जारी रही। मृतका की मां ने बताया कि होली के समय बेटी को बेरहमी से पीटा गया था, जिसके बाद वह पुत्री को अपने साथ उपरामा लेकर चली आई और मायके में बेटी का इलाज चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मां ने आरोप लगाया है कि पति व अन्य ससुराल के परिवार वालों की पिटाई से बेटी की जान गई है। वहीं बिहार थाना अध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार वालों के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर विवाहिता की मौत कैसे हुई, क्या विवाहिता की मौत पिटाई के कारण हुई है या फिर बीमारी के कारण हुई है। इन तमाम बातों से पर्दा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उठ पाएगा, क्योंकि अभी तक मामला ये सुलझा नहीं है कि आखिर विवाहिता की मौत कैसे हुई है। परिवार के लोग पीट पीट कर हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जबकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है।